क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण गोयल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। प्रयागराज में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से खास खबर सामने आ रही है, जहां अपराधियों का कहर अभी भी जारी है। प्रयागराज में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो गया है। पति पत्नी का गला रेत कर हत्या कर दी गई है। लूटपाट के बाद बेरहमी से गला रेत कर उतारा मौत के घाट। अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर की लूटपाट के बाद हत्या। बीते 8 घंटे में आधा दर्जन हत्याएं पुलिस के लिए खुली चुनौती। लगातार हत्याओं से दहला प्रयागराज। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार। घटना प्रयागराज के थरवई थाना क्षेत्र सराय चंडी की। ग्राम शासनपुर करारी थाना थरवई में आज 18/19 की रात में घटना दी। इसकी सूचना सवेरे में प्राप्त हुई है। संतोष प्रजापति पुत्र स्वर्गीय शोभा और उनकी पत्नी सीमा दोनों घर के अंदर बरामदे में सोए थे। चारपाई के दोनों के पास छोटे छोटे बच्चे थे। दोनों को सिर में चोट पहुँचा कर हत्या कर दी गई। उसी धारदार हथियार से सिर में चोट पहुँचाई गई। कई चोटें हैं सिर में। मौके पर ही दोनों की डेथ हो गई है। घर के अंदर सामान अस्त व्यस्त है। बाथरूम और अलमारी में से सामान बिखरा हुआ है। फोरेंसिक टीम और हम लोग आगे छानबीन कर रहे हैं। प्रयागराज से जगदीश सिंह की एक रिपोर्ट।